close. It's not a story, it's a metaphor actually. It's about एक व्यक्ति की कहानी है ये, जो आप और हमारी तरह है. वो जा रहा था, जाते 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 एक स्टेशन पे उतर गया, जैसा हम लोग कभी कभी उतर जाते हैं. और स्टेशन पे उतरा और एक अनजान से शहर में उतर गया. हम लोग भी कभी कभी उतर जाते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं, सोचा था कहीं और उतर जाते हैं कहीं. तो वो उस शहर में उतरा और वहां पे उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था. और आगे बढ़ते गया. वो बोलता, यार तो सभी कुछ बहुत अच्छा है. और सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा. और आगे बढ़ा, सारी चीजें और सुंदर लगने लगी. बोलता, ऐसी अद्वितीय जगह तो मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी. जगह और सुंदर लगने लगी. और वो आगे बढ़ते गया और वो घूमते 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 2 घंटे 3 घंटे बीत गए. कुछ समय बाद उसने कहा कि इतनी सुंदर जगह है, अद्वितीय जगह है, इतने अच्छे झरने हैं, अगर यहाँ पे कुछ आराम करने की जगह मिल जाती तो कितना अच्छा होता. थोड़ी दूर चला और उसे एक आराम करने के लिए सैया मिल गई और उस पर वो बैठ के थोड़ा आराम करने लगा. आराम करके 1-2 घंटे बाद जब वो उठा तो वो बोला, बड़ी भूख लग रही है. जैसे ही उसे भूख लगी, सामने खाना भी था. एक्चुअली ही एंटर्ड इनटू अ अद्वितीय लोक, जिसे हम अंग्रेजी में पैराडाइज कहते हैं, हिंदी में भौतिक लोक कहते हैं. जो ऐसा लोक जहां पे जो आप सोचते हैं ना मटेरियलाइज हो जाता है. तो कुछ ऐसा लोक था जहां पे वो एंटर किया और वहां पे उसको खाना मिल गया. फिर प्यास लगी, पानी मिल गया. फिर अब ये जो दिमाग है हमारा और इसके केमिकल्स हैं, इनके तरीके हैं कुछ, वो बोलता है, देयर इज समथिंग फिशी, यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ आवाजें आने लगी, क्योंकि यहां तो इट्स अ पैराडाइज नो, यहां पे तो जो सोचोगे वो होगा. बोले, यहां पे कुछ ना कुछ कोई भूतिया चीजें हैं. उसे भूत दिखने लग गए. फिर बोला, नहीं नहीं, यहां पे कुछ और प्रॉब्लम है, कोई डेंजर आने वाला है. कहीं कहीं खाई वाई है, सब कुछ है. उसको सामने खाई नजर आने लग गई, एक गड्ढा नजर आने लग गया. एंड फाइनली, सी दिस इज समथिंग विच वी मेक. सो आवर फ्यूचर एंड आवर लाइफ इज समथिंग लाइक दिस. वी क्रिएटेड ऑन आवर ओन. 10 years बैक आवर सर्कल इज समथिंग लाइक द पैराडाइज. आई थिंक वी ऑल क्रिएटेड इट एंड वी ऑल वेयर थिंकिंग गुड अबाउट इट. एंड एज लॉन्ग एज वी कंटिन्यू टू थिंक गुड अबाउट इट, नो वी कंटिन्यू टू गेट अ लॉट फ्रॉम इट. 125 monthly meetings. This is an amazing achievement. Just imagine how much we have learned. What is the amount of learning which we all have garnered in this all 10 and a half years? And it has all come just because we thought that there is something good which is happening and coming. Maybe in between some of us thought there is something fishy. Log 10 saal pehle mujhe bolte the, "Are, aisa kaise ho sakta hai? आप 6,000 रुपए की मेंबरशिप लेते हैं और जिंदगी भर आपको लाइफ लॉन्ग सेशंस मिलेंगे, MFRT होगा, खाना पीना होगा, लर्निंग होगी, लोग आएंगे." नहीं नहीं नहीं, जैसा ऐसे लोगों ने सोचने लगा. बट इट इज एक्चुअली हैपनिंग. द ओनली थिंग इज व्हेन व्हाट वी थिंक, इट्स लाइक अ पैराडाइज. योर होम, योर ओन लाइफ, योर ओन बिजनेस, mutual fund round table, everything is like that. As long as we think and continue to think positively about it, this chemicals which we are releasing, as long as it is not cortisol, things will be positive, things will be happy. Maybe a lot of people will think like a deer, or they are scared, or they want to achieve something more. That is again about excess of those positive or happy chemicals. So don't try to get addicted to that. इसे एक नशा ना बनाए. अचीवमेंट मिल गया है, औधा मिल गया है, डोंट मेक इट अ हैबिट. डोंट मेक इट समथिंग, नो सिगरेट और स्मोकिंग की तरह वो एक नशा ना बन जाए. जस्ट यूज इट एंड जस्ट एंजॉय दिस. आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ व्हाट वी आर गेटिंग. एंड आई थिंक इफ वी ऑल कैन रियली डू दैट, इट कैन हेल्प ऑल ऑफ अस. सो विद दैट नोट, happy being with Ask Circle, Mutual Fund Roundtable, and in the company of all the learned people, and we continue to grow and help each other the way we are doing. A big applause to each one of us.